स्कूली गेट विवाद के बीच सिसोदिया ने भाजपा पर साधा निशाना। बीजेपी नहीं चाहती कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट और उच्च स्तर के निवेश के बावजूद छात्रों की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बचाव में शुक्रवार को भाजपा को फटकार लगाते हुए कहा कि भगवा पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। एक सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए सिसोदिया ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात की और कहा, भारतीय जनता पार्टी को एक समस्या है कि कैसे सभी के बच्चे सफलतापूर्वक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके अनुसार केवल विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को ही अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए इस स्कूल को देखो और ये कितना सुंदर है, लेकिन अब बीजेपी सवाल कर रही है कि हमने इतने सारे क्लासरूम क्यों बनाए। जरा देखो, हमने सुंदर क्लासरूम, डेस्क और अन्य सुविधाएं बनाई हैं। मुझे दिल्ली का हर बच्चा चाहिए ऐसे डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करना। बीजेपी केवल माता पिता को जिम्मेदारी लेना चाहती है, हम नहीं। स्कूली गेट विवाद को लेकर भाजपा द्वारा आप पर आरोप लगाए जाने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 अगस्त को एक आभासी सम्मेलन में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने की घोषणा की और दावा किया कि स्कूल इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा देश में शिक्षा। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ने केजरीवाल के दावे को यह बताते हुए खारिज कर दिया कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल NIOS द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किया जा चुका है। 29 अगस्त को दिल्ली के मुख्य सचिव को संबोधित एक पत्र में LGV के सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट और स्कूली बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आप सरकार द्वारा किए गए उच्च स्तर के निवेश के बावजूद छात्रों की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने व्यापक जनहित में इस विसंगति के लिए स्पष्टीकरण मांगा।